क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब आपको आंसर जो है यस एंड नो में चाहिए होता है, और एक दूसरा ये होता है कि जब आपको आंसर में टाइम पूछना होता है, या फिर आपको जो है कुछ जगह पूछनी होती है, कोई रीज़न जानना होता है, कितने लोग थे ये जानना होता है। तो दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, और आज जो है हम इसी चीज़ को सीखने वाले हैं। पहली जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आपको आंसर यस एंड नो में चाहिए, तो आपको क्वेश्चन को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। अब हेल्पिंग वर्ब्स होते कौन कौन से हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि आपके डू हैं, डज है, डिड है, इज एम आर है, वोज वर हैज हैव हैड हैज बीन हैव बीन हैड बीन है, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब इनको हमें पहले रखना है और उसके बाद क्वेश्चन पूछना है, लेकिन शर्त यह है कि जब भी आपको येस एंड नो में आंसर चाहिए, केवल येस एंड नो में, तभी आप डू डस या इज एम आर या वोज वर, मतलब जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, किसी को भी आप पहले रख लें सेंटेंस को, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करें आप, तो आपको आंसर येस एंड नो में मिलेगा। अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं, रूटीन में अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं आप कि भाई ये काम जो है वो रूटीन में करता है या नहीं करता है, और येस एंड नो में आपको आंसर चाहिए, तो आप ये पूछ सकते हैं डू यू गो टू पार्क, डू यू गो टू पार्क में आपको आंसर देना है। अगर आप जाते हैं तो आप कह सकते हैं यस, और अगर आप नहीं जाते हैं तो मना कर सकते हैं आप नो। अब डू यू गो टू पार्क में एक चीज़ नोटिस करने की ये है कि डू यू गो टू पार्क मतलब आपका रूटीन पूछा जा रहा है, आपका जो आंसर है उसमें यस एंड नो जो आपने बोला है वो आपके रूटीन रोजाना के भी डू यू गो टू पार्क ये शो करता है कि ऐसा जो है आप रोज करते हैं या नहीं करते हैं। अब दूसरी बात आती है, मान लो मैंने डिड में पूछा, कोई क्वेश्चन में पास्ट में पूछना चाहता हूँ और आंसर मुझे केवल येस एंड नो में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं डिड से स्टार्ट करूँगा, जैसे डिड यू ईट ब्रेकफास्ट टुडे। अब इसमें ये शो होता है कि जो ब्रेकफास्ट है वो पास्ट में, उसका टाइम बीत गया है, तो आपने ब्रेकफास्ट किया है या नहीं किया है, तो आंसर होगा अगर आपने किया है तो आप कहेंगे येस, और अगर आपको मना करना है तो मना कर सकते हैं नो। तो जब भी हमें येस एंड नो में क्वेश्चनों के आंसर चाहिए होते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब्स की, तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब रखने चाहिए। अब कुछ जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, अगर आपको फ्यूचर में कोई क्वेश्चन पूछना है और आपको सिर्फ आंसर येस एंड नो में चाहिए, तो आप सिंपल ऐसे ही पूछ सकते हैं विल यू कम टुडे, विल यू कम टुमारो, विल यू कम टुमारो मतलब कल आपको आना है, आपको कल के बारे में पूछा है आपसे, तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपको येस एंड नो में ही आंसर देना है कि येस आई विल, अगर आप आएंगे तो आप कह सकते हैं येस, और नहीं आना है आपने तो आप कह सकते हैं नो। अब और दूसरी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे कि इज एम आर है, इज एम आर के साथ आपको पता ही है कि इज एम आर के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी होती है, इज एम आर के साथ वोज वर्ब के बाद इन सब के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी होती है, और कोई नंबर भी रख सकते हैं हम, कोई एडजेक्टिव भी रख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कुछ वीडियोज़ में, जैसे आर यू कमिंग टुडे, आर यू कमिंग टुडे में अभी भी आंसर वही है कि आपने येस एंड नो में ही आंसर देना है। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, और येस एंड नो में हमें आंसर देना होता है। अब एक दूसरी तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको डिटेल में चाहिए होती है चीज़, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें आपको जो मैंने अभी बताया है यानी कि डू यू गो टू पार्क, इससे ही पहले अगर आप ये बोल दें व्हेन डू यू गो टू पार्क, तो ये क्वेश्चन का पैटर्न है दूसरे वालों का। कौन से वालों का, जब आपको डिटेल में कोई आंसर चाहिए होता है, या आपको टाइम पूछना है, कोई जगह पूछनी है, इसी सेंटेंस में आप वेयर लगा सकते हैं, वेयर डू यू गो टू पार्क, मतलब कहने का क्या है, जब आपको येस एंड नो में आंसर चाहिए होता है तो प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है कि आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखनी होती है, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही आपको नंबर लगाना होता है, सिंगुलर प्लुरल जो भी रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब लगानी होती है। भाई जैसे डू यू गो टू पार्क में आप देखो डू के अकॉर्डिंग हमने यू लगाया है, या हम दे लगा सकते थे यहाँ पे, और डू के अकॉर्डिंग क्योंकि डू के बाद हम आपकी फर्स्ट टर्म लगाते हैं, तो डू यू गो टू पार्क हमने इस तरीके से रखा है। तो बात चल रही थी यही कि भाई अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो आपने करना क्या है कि आपको येस एंड नो में चाहिए, तो आप डू डज डिड इज एम आर वोज वर विल और हैज एव हैड इनको पहले रखें, और उसके बाद एक नंबर रखें, और फिर वर्ब उनके अकॉर्डिंग लगाएं जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ पहले वीडियोज़ में मैंने बता दिया है। अब बात आती है कि जो क्वेश्चन हमें डिटेल में चाहिए होते हैं, तो उसमें भी कुछ नहीं करना होता, प्रोसेस यही है, बस आपको वो जो वर्ड हैं जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई,
हाउ, इन सबको आप सेंट इन्हीं इन्हीं चीज़ों में, डू यू गो टू पार्क से पहले आपने वैन लगा लिया, डू यू गो टू पार्क से पहले आपने वैन लगा लिया, वाई डू यू गो टू पार्क, वैन डू यू गो टू पार्क, हाउ डू यू गो टू पार्क, ये प्रोसेस है क्वेश्चन पूछने का। तो हाउ टू आस्क क्वेश्चन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।